सपने थे मेरे, गरीब घर से हूँ इसलिए माँ बाप ने सोचा अच्छा रिश्ता आया है, फिर बेटी को अच्छा रिश्ता आए ना आए टाइम से शादी कर देते हैं। शादी हो गई, पढ़ रही थी, कॉलेज में थी, डॉक्टर बनना चाहती थी पर माँ बाप के पास इतने पैसे नहीं थे कि मुझे डॉक्टर बना सके। आप तो जानते हैं हमारे देश में मेडिसिन करना कितना एक्सपेंसिव है। बस सोचा घर गृहस्थी बसाऊंगी और कहीं जो भी करना है करूंगी। माँ ने कहा शादी हो रही है और तुम्हारा ससुराल ही तुम्हारा सब कुछ है, अपनी सास को अपनी माँ समझना, अपने ससुर को अपना पिता, अपने देवर और ननद को अपनी छोटा भाई और बहन। हमारे में मन मत रखना क्योंकि शादी के बाद लड़की का असली घर उसका पति का घर होता है। जैसे माँ ने समझाया बस वैसे ही करती चली गई, पता नहीं चला कब इतना टाइम निकल गया। और एक दिन पता चला कि मेरे पति मुझे धोखा दे रहे हैं, फर्नीचर की तरह ट्रीट किया, जब मन किया यूज किया, जब मन किया इसे दिखाया उसे दिखाया, मुझसे कभी मेरी मर्जी नहीं पूछी, मैंने कभी उनसे कुछ नहीं मांगा, जो उन्होंने कहा मैंने वैसे कहा, वही किया, उनके माँ बाप की सेवा की, बच्चों को पाला, एक अच्छी गृहिणी अच्छी पत्नी जैसी होती है ना 100% दिया, अपने सारे सपनों को भूल के, अपने सारे सारे घर वालों को भूल के, अपने दोस्तों को भूल के, सब कुछ भूल के, सब कुछ। बहुत रोई हूँ मैं, बहुत रो रो के थक चुकी हूँ, कोई अस्तित्व नहीं है मेरा, शून्य हूं मैं, एक शून्य, एक ऐसा शून्य जिसकी फैमिली तो है, इतनी बड़ी फैमिली और उस फैमिली में उसकी कोई जगह नहीं है। कभी कभी सोचती हूँ कि अपनी जान ले लूँ, फिर वो भी नहीं कर पाती। सोचती हूँ मेरे बच्चों का क्या होगा, उन्हें कौन संभालेगा, वो किसे माँ बोलेगी। बस यही सोचकर अपनी लाइफ निकाले जा रही हूँ।